विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल। क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म, आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। काफी श्रोताओं के प्रश्न कथा के अंतर्गत रहते हैं और उनमें से काफी प्रश्न रहते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर आपको YouTube के माध्यम से देश विदेश में अपने प्रश्न, आपके प्रश्न और उनके उत्तर आपको मिल सके। एक ऐसा ही प्रसंग आता है, श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव मुनि से प्रश्न कर लिया, हे गुरुदेव कृपा करके बताइए कि ये इतने राक्षस हुए हैं और इन राक्षसों को भगवान ने अनेकानेक रूपों में प्रकट होकर, चाहे राम रूप में, चाहे नरसिंह रूप में, चाहे किसी भी रूप में, चाहे कृष्ण रूप में प्रकट होकर इन राक्षसों का ही वध क्यों किया। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन तुम ऐसा साधारण बात मत समझो, ये सब पूर्व से निर्धारित स्थिति है। ये राक्षसों को भी तुम साधारण मत समझो, कहीं ना कहीं ये भी तपनिष्ठ और धर्मनिष्ठ राजा रहे हैं। उन्हीं में से मैं आपको पूर्व जन्म में जो तृणावृत भगवान के पास में जो बवंडर के रूप में वहां पहुंचा था, उस तृणावृत का उद्धार भगवान ने अपने से विग्रह को स्पर्श उसे करने दिया और भगवान ने उनका उद्धार किया। वो तृणावृत पूर्व जन्म में कौन थे? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये पूर्व जन्म में पांडु देश के राजा थे, बड़े विख्यात राजा थे, इनका नाम सहस्त्राक्ष था और ये भगवान विष्णु के चरणों में बड़े ही निष्ठा रखते थे, हमेशा ही भगवान के चरणों की पूजन करते रहते थे, उन्हीं का चिंतन करते रहते थे। एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, भगवान तुम्हें कितनी भी ख्याति दे दे, भगवान तुम्हें कितनी भी संपदा दे दे, अगर भगवान की दी हुई संपदा में हम लोग ये प्लानिंग कर लें कि सब मेरा है, ये सबसे बड़ा अपराध है। ये भगवान का प्रसाद ही समझना चाहिए। तो राजा हमेशा भगवान का ही प्रसाद समझते थे, पर उनकी बहुत सारी स्त्रियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी, भगवान की सेवा तो करते थे लेकिन पत्नियां उनकी बहुत थी। एक बार नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए वो अपनी पत्नियों के साथ चले गए। पत्नियां तो बहुत थी, बड़ी सुंदर सुंदर पत्नियां थी, नर्मदा जी का तट भी बड़ा रमणीक बना हुआ था, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे पुष्प इत्यादि वहां पर खिले हुए थे, हरियाली छाई हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव ने पूरी तैयारी वहां पर कर रखी है। और वहां पर वो राजा अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा में स्नान कर रहे थे, जल विहार कर रहे थे। तो जब जल विहार कर रहे थे उस समय उन स्त्रियों के वस्त्र इधर उधर थे, स्थिति वस्त्रों की ऐसी थी। उस समय वहां पर हजारों शिष्यों के सहित दुर्वासा ऋषि वहां से निकले। राजा ने देख भी लिया कि ऋषि जा रहे हैं, दुर्वासा ऋषि तपेश्वरी हैं, तपनिष्ठ हैं, जा रहे हैं। उसके बावजूद भी राजा ने, क्योंकि राजा उस समय दूसरी स्थिति में थे, अपनी स्त्रियों के साथ में थे, देख कर भी इग्नोर कर दिया। ये गलत चीज है। जब भी आप किसी संत महात्मा द्विज ब्राह्मण को देखो और आप उनका आदर न करो, ये अब से नहीं प्रारंभ से ये दृष्टिकोण जो है वो अनुचित है। ना हाथ से इशारा भी नहीं किया, दूर से वहीं से नमस्कार कर देते, सर झुका देते, कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही क्रोध के अवतार हैं, वो तो मानो श्राप की फैक्ट्री है पूरी, उन्हें तो छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि इस राजा ने मुझे प्रणाम नहीं किया, साधु संतों का सम्मान नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, रे दुष्ट, वैसे तो तू अपने आप को विष्णु भक्त कहता है पर साधु संतों का तू सम्मान नहीं करता, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे हजारों हजारों वर्ष भारत की भूमि पर राक्षस बनकर रहना पड़ेगा। और जैसे ही सांप लगा वो राजा तुरंत वहां से भागा भागा आया और ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु अनजाने में अपराध हो गया, अनजाने में अपराध हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं थी इसलिए मेरे से अपराध हो गया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, अब तुम शरण में आ गए हो तो तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। जब भगवान
द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण अवतार लेंगे, और जब उस समय जब तुम्हारा स्पर्श भगवान से होगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन स्त्रियों को भी कह दिया था जाओ तुम्हें भी भारत में जाना पड़ेगा और मनोवांछित राजाओं के घरों में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, उनकी कन्या बनना पड़ेगा, किसी की रानी बनना पड़ेगा। तो ये सब तो राजा जो तृणाव्रत थे वो भी पूर्व जन्म में धर्मनिष्ठ राजा थे, पर एक अपराध करने पर उन्हें राक्षस बनना पड़ा। आप और हम एक बात समझ लीजिए कि भगवान को चुन चुन के नहीं मारते राक्षसों को, इनके भी पूर्व जन्म के वृतांत हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं भजनानंदी रहे हैं, पर त्रुटि हो जाने पर उनकी ऐसी गति होती है। तो आप और हम जो जिनको मानव जीवन मिला है, त्रुटियां तो हमसे भी होती हैं, कोशिश करते रहें कि उन त्रुटियों को यहीं पर समाप्त करके हम लोग आगे जाएं, जिससे हम सबका कल्याण हो सके। फिर और किसी दिन आपके सामने प्रस्तुत होंगे किसी और प्रश्न को लेकर। अभी के लिए आप सबका मंगल हो। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_G फॉलो करें।